बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पहुंचे हैं वहोवा में। वहोवा और गंग का ताल्लुक ज़माना कदीम से चला आ रहा है। ये जो आपको पानी नज़र आ रहा है, ये ज़माना कदीम से है और वहोवा शहर भी ज़माना कदीम से है। मगर अफसोस और काबिल अमर अफसोस की बात यह है कि इस पर सियासत तो होती है मगर इसे चैनलाइज नहीं किया जाता। इसका कोई फ़ायदा या इसकी अफादियत से फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता। तो इसकी तारीख जानने के लिए हमने अपने एक दोस्त शहजाद ख़ान लगारी को तकलीफ़ दी है कि वो हमें गंग की तारीखी अहमियत से जो है रूशनास कराएं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। शुक्रिया हबीबुर्रहमान, आपने हमें मौका दिया। तो इसकी जो तारीख़ है ये, यानी कि जितनी भी मालूम तारीख है उससे हमें मिलता है इसका रिकॉर्ड। रिटर्न में तो काफ़ी देर से आई, तो इसके हवाले जो है ना इंसानों के साथ यहाँ जो पहले बसने वाले इंसान थे वहाँ से चल रही है। तो हम इस हवाले से कह सकते हैं कि वहोवा गंग से मंसूब है और गंग जो है ना ये वहोवा से मंसूब है। और ये गंग लफ्ज़ जो है ना ये संस्कृत ज़बान का है, तो ये उस दौर से है और ये पानी मुसलसल बह रहा है, ये कभी खुश्क नहीं हुआ। तो मैं देखने वाले दोस्तों को बताऊंगा कि इसको, इस पानी को यानी कि बहुत ही मुकद्दस माना जाता था, यानी जो पहले लोग थे तो यानी ज़माना कदीम में तो इसको मुकद्दस समझते थे और इसकी हिफाज़त करते थे ये ज़ाया ना हो। और यहाँ खजूरों के इतने ज़्यादा बागात थे, मैं आपको बताऊँ कि यहाँ की जो खजूर है वो पूरे इलाके में मशहूर थी अपनी मिठास और जायके में। तो वो बागात भी अब वैसे तो नहीं रहे, नए देखने वालों के लिए तो ये बागात भी काफ़ी हैं, वो समझते हैं यही बागात होंगे, लेकिन ये इतने घने थे कि यहाँ इंसान जो अगर नया आता था तो वो भूल जाता था, उसे रास्ता नहीं मिलता था। यहाँ इतनी खजूरें थीं और इतने बागात थे, और ये खजूर जो है ना पुराने लोग खुश्क करके रखते थे, सारा साल इस्तेमाल करते थे सर्दियों में भी। तो इसके बाद इस हद तक भी था कि यहाँ से दूसरे शहरों में भी जाती थी, मशहूर थी काफ़ी, यानी पाकिस्तान में ऐसी खजूर नहीं थी। साइज़ में तो छोटी थी लेकिन ये विटामिन से भरपूर और मिठास में जायके में लासानी थी। लेकिन वक्त के साथ साथ फिर गंग के मसाइल होते गए, तो ये आज जो है ना एक बार फिर इकोसिस्टम की वजह से बहाल हुई है। हुकूमत का इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये फितरत ने अपने यानी सैलाबों के ज़रिए से बहाल किया है कि ये वहोवा की तरफ फिर लौट आई है। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि काम होना चाहिए ताकि ये कदीम विरसा हमारा, जो हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारे बुज़ुर्गों की निशानी है, ये बाकी रहे। और मैं समझता हूँ कि ये हमें असली सूरत में बाकी रखनी चाहिए, यहाँ के जैसे हमारे बुज़ुर्गों ने इसको महफूज रखा, इसकी कदर करनी चाहिए। क्योंकि ये कदीम अगर 4000 साल से एक चश्मा बह रहा है या मालूम तारीख से, तो वो हमारी नाहेलियों या हमारी कोताहियों की वजह से खुश्क हो गया, तो आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं। अच्छा, हमें ये बताएं कि कुछ लोगों का कहना है कि इसके ऊपर पन चक्की भी लगाई गई। जी बिल्कुल, ये कदीम ज़माने में, मैं दोस्तों को बता दूं, जब पीटर इंजन नहीं आए थे या ये जदीद टेक्नोलॉजी, ये बिजली वगैरह नहीं थी, तो दोस्तों को मैं बताऊँ कि उस वक्त आप अगर कदीमी लोगों से पूछें तो औरतें जो है ना वो घरेलू चक्कियों से दाने पीसती थी। तो ये जो है ना वहोवा ऐसा शहर था जहाँ पर जंदरा था एक मकाम पर, वहाँ पर एक पंचक्की थी जिसे उर्दू में हम पंचक्की ही कहेंगे। वो इस गंग के पानी से एनर्जी जो पैदा होती है तो उससे वो चलती थी और वो इलाके के दाने जो है ना वो पिसाई होती थी और फ्री में, यानी कि ये लोग भी उस वक्त टेक्निकल थे और इससे फ़ायदा भी लेते थे। हम भी इससे एनर्जी इस तरह वसूल कर सकते हैं, यानी इससे हम बिजली भी बना सकते हैं या और एनर्जी जो है ना हर की तवानाई ले सकते हैं। लेकिन अभी तो मैनेजमेंट का बहरान है, जिसे हम ज़माना कदीम को अमूमन जहलियत समझा जाता है, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि वो लोग हमसे ज़्यादा दाना थे और मुफक्किर थे, हमें इस तरफ तवज्जो करनी होगी। तो आखिर में मैं ये कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को कि ये जो गंग है इसका पानी पूरा साल चलता रहता है, पूरा साल बहता रहता है। अगर इसे थ्रू प्रॉपर चैनलाइज किया जाए तो ये पूरे वसेब यानी वहोवा के इर्द गिर्द जितने भी मतलब ज़मीनें हैं, जितने भी रकबे गैर आबाद पड़े हुए हैं, इस गंग के पानी से उन्हें आबाद किया जा सकता है और अच्छा खासा रेवेन्यू भी जनरेट हो सकता है। इस पानी से बागात भी उगाए जा सकते हैं, फसलें भी उगाई जा सकती हैं। तो अगर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट और मकामी सियासतदान इस पर तवज्जो मरकूज कर दें तो मेरा ख्याल है कि बाकी मांदा आबादी की जो महरूमियाँ हैं वो इस गंग के पानी से ख़त्म हो सकती हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़ो नासिर।